अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कन्फेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा। हमने कन्फेशन के डिफरेंट फॉर्म्स को भी जाना। हमने ये जाना कि कन्फेशन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं और इन डिफरेंट टाइप्स को हम तीन बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। अगर कन्फेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में है तो हम कन्फेशन को दो टाइप्स में रख सकते हैं। पहला, एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट और दूसरा, इनकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट। हमने कुछ केस लॉज भी देखे थे। दूसरा, कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। इस पर्टिकुलर बेसिस पर हम कन्फेशन को थ्री टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और तीसरा, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो अपने अब तक के वीडियो लेक्चर्स में हमने इन दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फेशन से डील कर लिया है। हमने एक्सकल्पेटरी कन्फेशन, इनकल्पेटरी कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन, इन छह टाइप्स ऑफ कन्फेशन को अच्छे से प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर केस लॉज के थ्रू समझ लिया है। आज के इस वीडियो में हम कन्फेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन, जिसमें दो टाइप्स ऑफ कन्फेशन आते हैं। पहला, वॉलंटरी कन्फेशन, और दूसरा, इनवॉलंटरी कन्फेशन। तो कन्फेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। पहला, वॉलंटरी कन्फेशन, दूसरा, इनवॉलंटरी कन्फेशन। आज के इस वीडियो में हम इन दो टाइप्स ऑफ कन्फेशन से डील करेंगे और कुछ केस लॉज को समझेंगे, राइट? नाउ, व्हाट इज वॉलंटरी कन्फेशन? देखो, कन्फेशन गिवन बाय अक्यूज्ड इन रिलेशन टू द ऑफेंस ऑफ व्हिच ही इज चार्ज्ड विथ। एक्यूज्ड के ऊपर जिन भी ऑफेंसेस का चार्ज लगा हुआ है, जिन भी ऑफेंसेस का एलिगेशंस लगा हुआ है, जब एक्यूज्ड उन चार्जेस या उन एलिगेशंस के रिलेशन में अपने गिल्ट को कन्फेस करता है और ये कन्फेशन फ्री होते हैं फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ थ्रेट, प्रॉमिसेस एंड इंड्यूसमेंट। विच इज गिवन बाय अक्यूज्ड इंडिपेंडेंटली। जो अक्यूज्ड स्वतः ही अपनी इच्छा से देता है, बिना किसी थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट के तहत, एंड विच क्लियर्स क्वेश्चंस इन रिगार्ड्स टू व्हेन एंड व्हाई। जो कन्फेशन व्हेन एंड व्हाई को क्लियर करता हो वो कहलाता है वॉलंटरी कन्फेशन, राइट? वॉलंटरी कन्फेशन मीन्स जब एक्यूज्ड इन रिलेशन टू द ऑफेंसेस ऑफ विच ही इज चार्ज्ड विथ। जो भी ऑफेंसेस के एलिगेशंस, जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं, उनके रिलेशन में अपने गिल्ट को कन्फेश करता है बिना किसी थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट में आए हुए, तो वो कहलाता है वॉलंटरी कन्फेशन। ऐसे कन्फेशंस व्हेन एंड व्हाई को क्लियर करते हैं,
जैसे जब हमने कन्फेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था तो उसमें हमने एक केस लॉ देखा था, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब एंड अबू मुजाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस पर्टिकुलर केस में जब अजमल कसाब को प्रेजेंट किया गया बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट ने उससे ये पूछा, व्हेन ही वाज फर्स्ट फेल्ट मेकिंग कन्फेशन, कब उसे लगा कि उसे कन्फेशन करना चाहिए। तो इन रिटर्न ही रिप्लाइड, व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जब उसे गिरफ्तार किया गया और जब उसके सभी साथियों की हत्या कर दी गई, इनकाउंटर कर दिया गया। और आगे वो कहता है, ही हैड एब्सोल्युटली नो रिग्रेट फॉर वॉट एवर ही हैड डन, उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे तनिक भी पछतावा नहीं है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा पूछा गया जो क्वेश्चन था, व्हेन ही वाज फर्स्ट फेल्ट मेकिंग कन्फेशन, ये क्लियर होता हो। और दूसरा, व्हाई ही विज्ड टू मेक कन्फेशनल स्टेटमेंट, मजिस्ट्रेट ने जब उससे पूछा कि वो क्यों कन्फेश कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेकिंग सच कन्फेशन, तो रिप्लाई में अजमल कसाब ने कहा, ही वॉन्टेड टू सेट एन एग्जाम्पल टू अदर्स ऑफ हिज कम्युनिटी टू बिकम हीरो लाइक हिम। तो वॉलेंट्री कन्फेशन अपने आप में व्हेन एंड व्हाई, इन दोनों क्वेश्चंस को क्लियर करता है, राइट। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि अक्यूज्ड जिन भी कन्फेशनल स्टेटमेंट को कर रहा है वो वॉलेंट्रीली दिए गए हैं, जेन्युइन है, तो ऐसे कन्फेशन उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड के अगेंस्ट में काम करते हैं। इट इज सफिशिएंट प्रूफ ऑफ द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड, राइट। तो ये है वॉलेंट्री कन्फेशन। तो एक्यूज्ड जिन भी कन्फेशनल स्टेटमेंट को दे रहा है इन रिलेशन टू द चार्जेस एलिज्ड अपॉन हिम मस्ट बी गिवन वॉलेंट्रीली, यानी वो वॉलेंट्रीली कन्फेशन होने चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ कन्फेशन, वॉलेंट्री कन्फेशन एंड इनवॉलेंट्री कन्फेशन। नाउ वॉलेंट्री कन्फेशन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें अक्यूज्ड इन रिलेशन टू द चार्जेस अलिस्ट अपॉन हिम जिन भी कन्फेशनल स्टेटमेंट को देता है वो अंडर थ्रेट इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस के तहत होता है। ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स रेलेवेंट नहीं माने गए हैं हमारे एविडेंस एक्ट में, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ कन्फेशन, वॉलेंट्री कन्फेशन एंड इनवॉलेंट्री कन्फेशन। वॉलेंट्री कन्फेशंस आर दोज कन्फेशंस व्हिच आर मेड बाय अक्यूज्ड इन रिलेशन टू द ऑफेंसेस व्हिच आर अलिज्ड अपॉन हिम which are free from every kind of threat, promises, inducement. Such confessional statements clears the questions in regards of when and why, known as voluntary confession or involuntary confession ka matlab hai, aise confessional statements which are given by accused in relation to the offenses under threat, promise and inducement, such kinds of confessions are irrelevant. ठीक है, तो ये है on the basis of mental condition. देखो
अब आइए हम सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझते हैं। तो आज हम डील करेंगे कन्फेशन से जुड़ा पहला सेक्शन, विच इज सेक्शन 24। कन्फेशन से जुड़े जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 24 to 30। इन छहों सेक्शंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 24 को समझेंगे और कुछ केस लॉज को देखेंगे, राइट? अब देखो सेक्शन 24 क्या कहता है। सेक्शन 24, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस when irrelevant in criminal proceedings अगर कन्फेशन इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस के तहत दिया जाता है अक्यूज्ड के द्वारा, तो वो इररिलेवेंट होगा क्रिमिनल केसेस में, राइट? इसमें कहा गया है अ पर्सन हु इज एन अक्यूज्ड मेक्स कन्फेशन इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज इररिलेवेंट If it appears before the court, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है या कोर्ट को ऐसा मालूम चलता है कि सच कन्फेशनल स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस, कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है एक्यूज्ड के द्वारा किसी इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस के तहत दिए गए हैं, इन रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में, जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं उनके रेफरेंस में। अच्छा, ये जो इंड्यूसमेंट है, थ्रेट है, प्रॉमिस है, उस पर्सन के द्वारा किया गया है जो कि पर्सन इन अथॉरिटी है। नाउ पर्सन इन अथॉरिटी का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसका उस पर्टिकुलर केस से किसी प्रकार का रिलेशन है, या जो एक्यूज्ड है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के कंट्रोल में है, तो वो पर्सन कहलाएगा पर्सन इन अथॉरिटी। इसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, कॉन्स्टेबल, ये सभी आ सकते हैं। और कोर्ट को ऐसा मालूम पड़ता है कि इट इज सफिशिएंट इन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट को ऐसा लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं इस बात पर बिलीव करने के लिए, फॉर सपोजिंग हिम दैट बाय कन्फेसिंग इट वुड गेन एनी एडवांटेज, राइट? जैसे मजिस्ट्रेट कहता है कि तुम अगर अपना अपराध कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा या तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो कोर्ट को अगर ये बात मालूम पड़ता है, या आगे कह रहा है और अवॉइड एनी एविल ऑफ टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, जैसे पर्सन इन अथॉरिटी ये कहता है कि अगर तुम इस चीज़ को कबूल नहीं करते हो, अपना गुनाह नहीं मानते हो, तो तुम तो फंसोगे ही, तुम्हारी फैमिली भी बुरी तरह से फंसेगी,
तो कोर्ट के पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं इस पर बिलीव करने के लिए। तो ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस के तहत दिए जाते हैं इन रेफरेंस टू द चार्जेस अलिज्ड अपॉन द एक्यूज्ड, और ये जो थ्रेट है, प्रॉमिस है, इंड्यूसमेंट है, वो कौन पर्सन कराता है? वो पर्सन जो पर्सन इन अथॉरिटी है। कोर्ट के पास अगर सफिशिएंट प्रूफ है इस बात पर विश्वास करने के लिए तो ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट इररिलेवेंट माने जाएंगे इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि पर्सन मेकिंग इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस मस्ट बी पर्सन इन अथॉरिटी, राइट? ओके, तो ये है आपका। अब जैसे एग्जांपल में मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन हो सकता है। यहां पे जो मास्टर है वो कौन है? पर्सन इन अथॉरिटी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो सकता है। हियर एम्प्लॉयर इज पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है? तो ये है सेक्शन 24। अब देखो एक केस है हमारे पास, प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस ऑन अकाउंट ऑफ विच एक्यूज्ड एडमिट्स द गिल्ट मस्ट कम फ्रॉम अ पर्सन हु हैज गॉट सम अथॉरिटी ओवर द मैटर। यहां पे इस पर्टिकुलर केस में प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में यह कहा गया कि वो पर्सन जो थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट कर रहा है एक्यूज्ड के ऊपर, वो पर्सन इन अथॉरिटी होना चाहिए, विच मीन्स जो पर्टिकुलर मैटर है उस पर्टिकुलर मैटर का कंट्रोल उसके ऊपर होने चाहिए। यानी पर्सन इन अथॉरिटी जो है उसका एक्यूज्ड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, साथ ही साथ जो मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी है उस पे भी उसका कंट्रोल होना चाहिए। टू बी क्लियर, पर्सन गिविंग वेरियस प्रोमिसेस, थ्रेटनिंग द एक्यूज्ड और इंड्यूसिंग हिम टू मेक कन्फेशन मस्ट बी पर्सन इन अथॉरिटी, वो पर्सन इन अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है? अब आगे कहा गया, जैसे मानो इफ फ्रेंड ऑफ एक्यूज्ड, यदि एक्यूज्ड का कोई दोस्त, एक्यूज्ड का कोई दोस्त उसे इंड्यूस करता है कि तुम कन्फेशन कर लो इन रिलेशन टू द ऑफेंसेस चार्ज अगेंस्ट हिम, या उसे थ्रेटन करता है और एक्यूज्ड उस थ्रेटनिंग, उस इंड्यूसमेंट या उस प्रॉमिस के बेसिस पर कन्फेस कर लेता है, तो ये कन्फेशन सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो अपने फ्रेंड के कंट्रोल में नहीं है, उसका फ्रेंड पर्सन इन अथॉरिटी के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है? ऑलराइट, तो देयर मस्ट बी पर्सन इन अथॉरिटी मेकिंग इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस ऑन एक्यूज्ड, राइट? चलिए एक और केस देखते हैं हम, साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो पहला केस, दूसरा साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्हेन एन एडमिशन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 17 इज मेड इन सिविल केसेस, सेक्शन 17 के तहत जब एक पर्सन सिविल केसेस में किसी फैक्ट को एडमिट करता है तो वो एडमिशन कहलाता है, लेकिन जब वही एडमिशन क्रिमिनल केसेस में ऑफेंडर के द्वारा होता है तो वो कन्फेशन कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि कन्फेशन नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने गिल्ट को एडमिट कर रहे हो और कन्फेशन कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन के सामने, तो देयर मस्ट नॉट बी कम्युनिकेशन विथ अदर। कम्युनिकेशन टू अदर इन रिगार्ड्स टू द ऑफेंसेस, कन्फेशन इन रिगार्ड्स ऑफ द ऑफेंसेस मस्ट नॉट बी कम्युनिकेटेड विथ अनदर पर्सन। मर्मरिंग ऑफ एक्यूज्ड ऑल अलोन, अगर एक्यूज्ड खुद से किसी चीज को कह रहा है, राइट, मर्मरिंग, ठीक है, तो ये भी कन्फेशन के ही दायरे में आएगा। तो मर्मरिंग ऑफ एक्यूज्ड ऑल अलोन इन रिलेशन टू द ऑफेंसेस ऑल्सो कम्स विद इन द परव्यू ऑफ कन्फेशन, ये कहा गया साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। ठीक है, तो ये था सेक्शन 24 और कन्फेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन। अब आने वाले वीडियोज में हम कन्फेशन के एक एक सेक्शन से डील करेंगे डिटेल में, और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को भी देखेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने कन्फेशन के थर्ड फॉर्म विच इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कंडीशन और सेक्शन 24 से डील किया, हमने दो इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, किसी मैनर में आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।